आमंत्रित करना चाहूंगा धीमंत जी और रश्मि कापड़िया जी, कृपया आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस समीर जी की वजह से आपकी जिंदगी में जितनी भी तब्दीलियां आई हैं और बहुत खूबसूरत तब्दीलियां आई हैं वो सब इन्हीं की वजह से? बिल्कुल सर, डेफिनेटली, क्योंकि मैं इसके पहले हाउसवाइफ थी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन हम पहले फॉरेन ट्रिप गए थे तभी समीर जी से मुलाकात हुई थी, बदौलत मोदी केयर से ही गए थे फर्स्ट ईयर, और उनकी हम्बलनेस मैंने देखी थी, इतने बड़े टाइकून, बिजनेस टाइकून इंडिया के, और हम सभी के साथ हमारी तरह हमारा सारा दर्द जानते हैं और हमारे लिए खड़े हैं, वो एहसास देते हैं, हम हमारे घर पे हैं, बहुत समय से मिले नहीं है फिर भी उन्हें पता है हमें क्या हो रहा है, दिस काइंड ऑफ हम्बलनेस मैंने कभी कहीं और नहीं देखी है सर। ये समीर जी, ये आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं है जो आपकी कंपनी में जुड़े हैं, आप निजी तौर पे उनसे जुड़े रहते हैं व्यक्तिगत तौर पे? देखिए, मेरा जीने का मकसद ही ये लोग हैं जी, और मेरी ताकत ही लोग, पिछले 25 सालों में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कठिनाई हुई है, एक समय था जो मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई लोग नहीं थे, और आज मैं अगर देखूं पीछे मोदी के लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, परिवार जो मोदी घर का है, वो हर रोज मुझे ये कहता है कि जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा रहो, और यही कहे मेरी ताकत। बहुत शेखर जी, मैंने इंजीनियरिंग किया, MBA किया, बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, लेकिन एक बात का दर्द था और वो दर्द ये था कि मैं मेरी जिंदगी मेरी तरह से आजाद होके जी नहीं सकता था। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी फैमिली को समय दूँ, मेरे स्पोर्ट्स को पूरा करूँ, मैं बहुत अच्छा चेस चैंपियन रहा हूँ, लेकिन एक बार जॉब पे लगने के बाद उसका करने का कोई स्कोप नहीं होता है क्योंकि उतना समय नहीं होता है हमारे पास। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ शेखर जी, एक दिन ऐसा आया था मेरे जीवन में, हमारी जो हम जब पेरेंट्स बने और बच्चों का जो प्यार होता है, पेरेंटिंग का जो प्यार होता है, उससे मुझे दूर जाना पड़ा क्योंकि मैं मुझे काम पे जाना पड़ रहा था, रास्ते में रुक कर मेरे आंख में आंसू आए थे, मैंने मेरा विजिटिंग कार्ड निकाला, वहां पर इंजीनियर और MBA लिखा था, उसके बाजू में लिख दिया गुलाम। अच्छा। और वो दिन मैं रोया था और कुछ दिनों बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं एक इंसान हूँ, कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ। मैंने जॉब से इस्तीफा दे दिया और ढूंढ रहा था क्या कोई ऐसा मौका हो सकता है 4-5 साल काम करके अपना समय अपनी मर्जी से दे सके। एक जमाना था जब हमारे घर में पानी लाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, नदी तालाब के पास से, तब पानी घर पे आता था, आज पानी अपने आप आता है। कैसी रहेगी जिंदगी अगर पैसा आपके घर में अपने आप आता रहे और वो भी बढ़ता रहे अगर मेहनत करेंगे तो। आज हम जो कमा रहे हैं, हमारी जो अदरवाइज काबिलियत है उसके सामने लगभग 25 गुना पैसा कमा रहे हैं। मैं आजाद हूँ, इसकी जो वैल्यू है ना वो हमने अनुभव किया इतने सालों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी ये आजादी बरकरार रहे, यही ईश्वर से।